न्यूज़पेपर देखो, टीवी देखो, हर जगह दिख रहा है चंद्रयान या मार्स के ऊपर आदमी जा रहा है। स्पेस मिशंस पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, आखिर हमें पृथ्वी छोड़ने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है, इन्हीं स्पेस एक्सप्लोरेशन से हम अपने आप को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। लेकिन तुम्हें मालूम है कितना खर्चा करते हैं इस बॉडी छोड़ने के तुम्हारे रॉकेट के लॉन्चिंग में? लगभग आज तक $22,000 बिलियन खर्चा कर चुका है पूरी दुनिया सिर्फ इस एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल एलियन ढूंढने की होड़ में। और अगर दुनिया भर में स्पेस शटल्स नहीं बनते और स्पेस एक्सप्लोरेशंस नहीं होते तो हर एक के अकाउंट में लगभग 1.5 से 2 लाख डलते। आज के 1.5 लाख मेरे इतने काम के नहीं है अगर कल ह्यूमैनिटी जिंदा नहीं रही तो आज मेरा इतना तो त्याग बनता ही है। अगर इतना त्याग कर ही रहे पैसों में तो मुझे ये बताओ कि चंद्रयान का आखिर मिशन क्या है? क्यों इतने पैसा खर्चा कर रहे हैं हम चांद पे जाने के लिए? चंद्रयान का सबसे पहला मकसद यह है कि दुनिया को और इंडियंस को साबित करना कि हम भी मून तक पहुंच सकते हैं। आज हम सिर्फ सैटेलाइट्स दूसरों के लेके जा रहे हैं लेकिन कल शायद मून्स के ऊपर भी सैटेलाइट्स ले जाएं। ये तो एक ही बेसिक मकसद हो गया। चंद्रयान मून के ऊपर काफी सारे स्टडीज भी करने जा रहा है, जैसे कि वहां का सरफेस देखना, वहां पे क्या क्या एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो स्टडी करना, उसका सीस्मिकल एक्टिविटी देखना यानी कि अर्थक्वेक आने के कितने चांसेस हैं, वहां पे पैर रखा जा सकता है कि नहीं, और ये स्टडी करना कि वहाँ का जो प्लाज्मा है यानी कि एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। मैंने तो ये सुना था कि इंडियंस पहले थे जिन्होंने मून पे कुआं ढूंढा था, पानी मिला यानी कि हमें। वो कुआं नहीं है क्योंकि वहाँ पानी एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन पानी के लक्षण जरूर देखने मिले हैं स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे हमारा चंद्रयान लैंड होने वाला है, साउथ पोल की तरफ। साउथ पोल जहाँ सूर्य की किरणें अभी तक पहुंची नहीं है और जहाँ से माना जाता है कि एलियंस हम पे वॉच रख रहे हैं। एलियंस हम पे नजर रख रहा है कि पता नहीं, लेकिन ये बात तो सच है कि मून का जो एक हिस्सा है उसने कभी भी सूर्य की किरण नहीं देखी है, यानी कि हमें वहाँ पे अर्थ का ओरिजिन और सोलर सिस्टम का ओरिजिन पता लग सकता है। अर्थ से मून 384,000 किलोमीटर दूर है और हमें 6 से 7 दिन लगते हैं, तो इतना फ्यूल और टोटल ट्रैवल डिस्टेंस क्या सीधे पैराबोलिक है कि वो कोई और डिस्टेंस से वहाँ पहुँचता है? कैसे पहुँचा उससे पहले ये जानना जरूरी है कि रॉकेट की डिजाइन कैसे काम करती है। रॉकेट मेन 2 पार्ट में होता है, एक जो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर सैटेलाइट लैंडर्स या प्रोब्स या कोई भी रॉबर्ट स्टोर करते हैं जिससे कि फोटोग्राफी हो सके, और जो 80% पार्ट होता है वो पूरा का पूरा फ्यूल से भरा होता है। 80% हिस्सा फ्यूल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है अर्थ का ग्रेविटी। अर्थ के ग्रेविटी से टेक ऑफ करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए ये सारे फ्यूल यूज होते हैं। रॉकेट लॉन्च होने के लिए साइड में 2 प्रोपेलेंट होते हैं जो सबसे पहले इग्नाइट होके पहला थ्रस्ट देते हैं। पहला टेक ऑफ करने के बाद थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करते ही वो साइड वाले दोनों प्रोपेलेंट्स को वो इजेक्ट कर देता है और नीचे की तरफ फेंक देता है ताकि वजन हल्का हो जाए। जब वो पैराबोलिक मोशन लेता है तो उसे अर्थ की ग्रेविटी एस्केप करने को और एक थ्रस्ट की जरूरत होती है जो कि बीच का जो सेक्शन है वो इग्नाइट होता है और उस थ्रस्ट से वो अर्थ की ग्रेविटी एस्केप कर लेता है। अर्थ के बाहर जाते ही वो बीच वाला प्रोपेलेंट भी इजेक्ट हो जाता है और जो मेन पेलोड वाला हिस्सा है वो अपना आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगा। ये जो प्रोपेलेंट्स हैं ये गिरते हैं अक्सर समुद्र में या नो मैन्स लैंड में, इसीलिए जो रॉकेट लॉन्चिंग का जो बेस है वो वैसे ही चुना जाता है कि उस पैराबोलिक मोशन में जब ये सारे प्रोपेलेंट छूट जाते हैं तो किसी ऐसे पॉपुलेटेड जगह पे ना गिरे और कोई जान मान की हानि ना हो। तो अब इसके आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि हम चंद्रयान 3 का ही एग्जाम्पल लेंगे। ये जो पेलोड वाला हिस्सा है वो मून तक पहुँचने के लिए हमने कुछ 1 महीने का अनुमान लगाया है जबकि बाकी देश उसको 7-8 दिन में ही कवर कर लेता है। इसमें हमने कॉस्ट सेविंग का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। ये पेलोड अर्थ के कुछ चक्कर लगाकर एक स्लिंगशॉट मैकेनिज्म से मून की तरफ फेंका जाएगा और मून उसको कैच कर लेगा अपनी ग्रेविटी से और कुछ चक्कर जो है वो मून के भी लगा देगा एंड देन फिर वो लैंडिंग की तरफ बढ़ेगा। पेलोड की लैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है क्योंकि चंद्रयान 2 में यही क्रैश हुआ था तो 3 में इसके बारे में बहुत ध्यान रखा हुआ है। पेलोड भी 2 हिस्से होते हैं, एक ऑर्बिटर और दूसरा लैंडर। चंद्रयान 2 के किस्से में हमारा जो विक्रम लैंडर था वो क्रैश हुआ था, ऑर्बिटर ने बराबर ऑर्बिट में उसे डाल दिया था। अभी 3 में हमने इसके लिए कुछ सतर्कता रखी है। चंद्रयान 3 के पेलोड में भी 2 ही हिस्से हैं, एक जो है वो उसको चांद तक पहुंचाने की हेल्प कर रहा है और थोड़ा बहुत ऑर्बिट में प्ले भी कर सकता है, लेकिन जो लैंडर वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करे हैं
जैसे कि उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ सेंसर्स और कैमरास डाल दिए जो कि और इफेक्टिवली रेगुलेट कर सकते हैं हमारी स्पीड, एंगल और थ्रस्ट को। चंद्रयान 3 में लैंडर में इंजन का पावर भी ज़्यादा दिया गया ताकि वो थ्रस्ट को ऑब्जर्व कर सके। उसके स्टैंड्स भी बहुत स्टेबल बनाए गए ताकि हम स्मूथली लैंड कर सके चांद के सतह पर। मून पे लैंड करना तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, उसका जो फायदा है हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन में वो समझते हैं। पहला तो ये फायदा है कि हम लोग मून से ये स्टडी कर सकते हैं कि हमारा अर्ली लाइफ कैसा था, और आउटर स्पेस और भी अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अर्थ से एटमॉस्फेयर होने की वजह से विजुलाइजेशन पावर बहुत कमजोर हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है, मार्स पे कोई मिशन भेजने के लिए हमारे पास कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है या ऑब्जर्वेटरी पॉइंट नहीं है, तो मून के ऊपर स्पेस स्टेशन बनाकर हम बीच में एक स्टॉपेज पॉइंट भी बना सकते हैं ताकि कभी मार्स पे भी जाना पड़ा मैन मिशंस को लेकर तो भी एक इजी स्टॉप मिल जाए हमें बीच में। मून पे स्पेस स्टेशंस बनाने के लिए और मार्स को कॉलोनाइज करने के लिए आदमी भेजना पड़ेगा, तो वो कैसे भेजेंगे? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है गगनयान मिशन। गगनयान जो है वो इंडिया का पहला मैन्ड मिशन होगा स्पेस की तरफ, जहाँ पे हम पहली बार आउटर स्पेस में हमारे इंडियंस को भेजने वाले हैं। मून पे अगर साइंटिफिक एक्सपीडिशंस कर रहे हैं तो हमें स्पेस स्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी और अकोमोडेशन सेंटर्स की भी पड़ेगी, तो इसके लिए मटेरियल्स भी भेजने पड़ेंगे और रॉबर्ट्स भी भेजने पड़ेंगे। एंड इसरो इसमें भी बहुत काबिलियत रखता है क्योंकि हमारे नाम पे ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है एक ही गो में 104 सैटेलाइट्स भेजने का। मून के ऊपर साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये प्रीफैब होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रीफैब और जल्दी बनने के लिए ये इन्फ्लेटेड टेंसाइल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिन्हें हवा भर के सीधे वो स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाए और उसको हम सीधे यूज़ में कर लेके आए। इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो प्रीफैब स्ट्रक्चर्स होंगे इनके ऊपर भी एक केव जैसे लेयर बनानी पड़ेगी और जिसके अंदर हमारे प्रीफैब स्ट्रक्चर्स इन्फ्लेटेड रहेंगे, जो कि हमें लूनार हीट या सोलार रेडिएशंस, मिट्रॉइड्स, इन सारे एक्सट्रीम टेम्परेचर से वो बचाएंगे। इतना ज़्यादा डेडिकेशन और पैसा लगाने के पीछे ह्यूमंस की दो कोर नीड सेटिस्फाई हो रही है, जो कि है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और हर वक्त कुछ नया करने का जज्बा। इसी जज्बे के साथ होप करते हैं कि हम इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बन सकेंगे और अनडिजाइन ऐसे फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को और ढंग से आपको एक्सप्लेन करते रहेगा। सो ऐसे ही डिजाइन रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनडिजाइन को।